objective, that is studying sociology for the preparation of your CSS exam. So this is a common objective, a common unit in group. So peer group बोलते हैं, ठीक है? तो आपकी second tier में after family bond आपकी आ गई है peer group attachment. आपकी friends, आपकी class fellows, आपकी colleagues, आपके juniors, आपके seniors, ठीक है? आप society में ऑपरेट करते हैं आफ्टर फैमिली एज अ सोशल एनिमल एंड सोशल एजेंट के साथ. अब जो ये इकोनिस्टिक सुसाइड की इंडिविजुअल टेंडेंसी होती है, पहले वो अपने आप को डिसलोकेट और आइसोलेट होता है फैमिली बॉन्ड से. आफ्टरवर्ड्स सेकंड थिंग विच कम्स विद दैट इंडिविजुअल इज डिसओरिएंटेशन एंड आइसोलेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द सोशल फ्रेंड नेटवर्क. That's the peer group. वो सोसाइटी से अपने आप को एलियन फील करता है. उसको लगता है कि सोसाइटी को उसकी जरूरत नहीं है. And he is or she is not useful and may not be connected in any way to the social structure and fabric. Or so on. With the relatives and with all formal and informal groups. और finally, वो individual एक ऐसे डिवेस्टेटिंग स्टेज पे आ जाता है जिसमें उसका कंप्लीट सोशल कट ऑफ होता है विद हिज फैमिली एंड विद हिज रिलेटिव्स एंड हिज फ्रेंड्स एंड इंडिविजुअल कमिट्स सुसाइड. सो ऑल द इम्प्लीकेशंस लीडिंग टूवर्ड्स इकोनिस्टिक सुसाइड आर एज डिस्कस्ड इन दिस कॉन्सेप्ट और सोशल इम्प्लीकेशंस जो कि मैंने आपको बताई है. और सेकंड इज ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड. ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सुसाइड. तो द सुसाइड का मतलब ही नेगेटिव और बुरा है, लेकिन दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज डन बाय द बॉन्ड ऑफ लव एंड फ्रेटर्निटी सो मच ओवर एग्जरेटेड टू द ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन ऑरियंटेशन कि वो उस लव और फ्रेटर्निटी में वो इंडिविजुअल सुसाइड कर जाता है. फॉर एग्जाम्पल सती, नाम सुना सती कल्चर का, हिंदू इंडियन रिचुअल वुमेन ऑफ द नॉट ऑफ द प्रेजेंट हिंदू सोसाइटी. अब औरत नहीं छलांग लगा दी, समझदार होगी. सो देयर वॉज अ टाइम व्हेन अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी इफ द हस्बैंड is having his funeral and Durga Puja hai ke they put the person in the log of coals and put the dead body on fire, the lady would jump on the fire and the lady would give away her life. So meaning by man dies, woman dies, called sati. Again there is another example of Japanese mythology. Dekhiye usko basically spell ka mishran karte hain. हेरिकेरी बोलते हैं उसको और सुतो भी बोलते हैं उसको और उसको इसको हेरिकेरी एंड सुतो. अकॉर्डिंग टू जैपनीज माइथोलॉजी अ वुमेन वुड गिव अवे हर लाइफ इन एब्सोल्यूट लव एंड फ्रेटर्निटी ओवर बर्डन्ड बाय दैट इमोशनल बॉन्ड विच शी एस्टैब्लिशेज विद हर हस्बैंड. इफ द हस्बैंड हैज डाइड द वुमेन वुड किल हरसेल्फ. सती के अंदर औरत जंप करती है फायर के ऊपर. जैपनीज माइथोलॉजी के अंदर अगर हस्बैंड की डेथ होती है, डिमाइस होता है उसके पार्टनर का, द वुमेन वुड किल हरसेल्फ माइट बी स्टैबिंग इन द स्टमक विद अ नाइफ, जो कि नॉर्मल माइथोलॉजी में चलती है. इसमें ये जो हेरेकेरी और सुकु है, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी है कि जो जापानीज रेस है ना, इट्स अ वेरी मार्शल रेस. जिसमें जर्मन जो है, दे वेरी मार्शल रेस, दे वेरी हाई ब्लड पीपल. वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है वो जापानीज है. जितनी जो आप लोग इंग्लिश मूवीज देखते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉन्सेप्ट है फूड के और डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो अपीयरेंसेस जो कि ड्रेसेस है,
they are derived from China ne baad mein dot kiye, first they came from Japan. So they think that it's better to embrace death than to embrace defeat or desolation or embarrassment. जैपनीज का कॉन्सेप्ट क्या था, इस कॉन्सेप्ट के तहत एक लागू कॉन्सेप्ट क्या है कि इससे बेहतर, इससे पहले कि हमें एम्बेरसमेंट मिले या हमें आइसोलेशन मिले, हम उस एम्बेरसमेंट से पहले अपने आप को खुद डेथ दे लें. सो दे आर सो हाई फ्लोन एंड हाई ब्लड दैट दे प्रीफर डेथ ओवर एम्बेरसमेंट. सो